हिंदुस्तान की राजनीति ने अब गाय के मुद्दे पे रोटियां सेकने के बाद एक नया टारगेट चूज किया है, जिसमें क्या गाय बचाने वाले और क्या गाय खाने वाले सभी के वोट बटोरे जा सकते हैं। और मुद्दा भी कोई ऐसा बड़ा नहीं कि भाई पार्टी के दुराचार को या अफसरों के भ्रष्टाचार को या बढ़ते हुए बलात्कारों को काबू में लाया जाएगा। इनका टारगेट है गली में सोने वाला, कभी कभी आपकी बाइक के पीछे भागने वाला और एक बिस्किट के लिए दुम हिलाने वाला टॉमी। अब आम तौर पे अपने काम से काम रखने वाला, भगवान के आगे मत्था टेकने वाला एक आम आदमी कुत्तों को बेशक पसंद ना करता हो या उनसे डरता भी हो, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर एक आम कुत्ता भी बेशक इंसानों से डरता हो, वो उनको बिना बात के नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रकृति का ये संतुलन सालों से चला आ रहा है। हाँ, मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ व्यक्ति या वो बच्चे जो बड़े होकर क्रिमिनल बनना चाहते हैं, कुत्तों को पीट के या जहर देके या बिल्डिंग से फेंक के मार देते हैं, पर आम आदमी ऐसा नहीं है। और इसी तरह पर बहुत कम संख्या में कुछ कुत्ते भी कटखने हो जाते हैं। बहुत कम चांस है कि कोई कुत्ता पैदाइशी ही ऐसा हो, अक्सर वो लोगों से अब्यूज होने के बाद ही कटखना होता है। बच्चों पे कुत्तों द्वारा अटैक किए जाने के कुल 6 मामले पिछले साल में मेरे सामने आए, लेकिन इस एक्सेप्शन यानी अपवाद को मीडिया सामान्य बता के खूब उछाल रहा है, जो कि बड़ी ही अजीब बात है, क्योंकि हर घंटे में 6 बच्चों के साथ यौन शोषण होता है, लेकिन मीडिया इसके बारे में इसलिए बात नहीं करता कि भाई ये तो बड़ी सामान्य सी बात है। और अब मीडिया के बाद नेता लोग टॉमी के पीछे हाथ धो के पड़ गए। महाराष्ट्र के एक MLA जो खुद मारपीट और करप्शन के मामलों में उलझे हुए हैं, टॉमी के मामले को सुलझाना चाहते हैं और कह रहे हैं सारे कुत्तों को आसाम भेज दो। भाई कुत्ते वहां पे क्या चाय के बगीचे में घूमेंगे? एक और राजनीतिक पार्टी जो दिल्ली में इलेक्शन से पहले अडॉप्शन और स्टरलाइजेशन की बातें कर रही थी, आज उन्हीं के एक सदस्य का कहना है कि कुत्तों को मार दो, 70 के दशक तक तो हम ये करते ही आए थे। अरे आपकी 1970 की स्कीम जो तब काम नहीं करी, आज 50 साल बाद क्या काम कर जाएगी? एक और नेता का कहना है कि सारे RWAs को लेके जंतर मंतर पे धरना देंगे और दिल्ली को टॉमी के आतंक से मुक्ति दिलाएंगे। अरे भैया, इस मामले को आप गलत रंग दोगे, इतना तूल दोगे तो होगा ये कि लोग कुत्तों के पीछे पड़ जाएंगे, फिर अपने माँ बाप को देख के बच्चे भी कुत्तों को पत्थर मारेंगे, और फिर जब कई कुत्ते पलट के उन्हें काटने दौड़ेंगे, फिर आप कुत्तों को गलत बताएंगे। जैसा कि हाई कोर्ट के एक जज साहब ने कहा है कि भाई कुत्तों को रोटी दो, जब उनका पेट भरा होगा तो वो शांत पड़े रहेंगे। तो कुत्ते भी सेफ, हम भी सेफ, और जब कुत्ते रात को शराबियों और चोर चक्कों पे भौंकेंगे तो हमारी सड़कें भी सेफ रहेंगी।